वो चेहरे ना मेरे अपने हैं, ना पराए हैं, ना रिश्ते हैं वो दूर के। हर शाम मुझे कुछ चेहरे बस देखते हैं घूर के। भागती हुई भीड़ से, हारती हुई जंग लड़ते हुए, स्टेशन गली मोहल्लों के रास्तों से गुजरते हुए, और इन्हीं स्टेशन की सीढ़ियों से उतरते हुए, एक हरे लाल नीले सफेद से पोस्टर पे मेरी नजर जाती है और जाते ही बस ठहर जाती है। इसमें लिखी होती हैं बातें जिसे पढ़ के हैरान आंखें परेशान अक्ल होती है, किसी जाने पहचाने की जैसे उसमें शक्ल होती है। उम्र 10-12 साल, घुंघराले बाल, चेहरा जैसे फरिश्ते का अक्स हो, या फिर मेरे वालिद जैसा नजर आने वाला बुजुर्ग जैसा शख्स वो। और नीचे दर्ज होती है वो तारीख जब से उस चेहरे का ना कोई सुराग ना कोई पता होता है। ये उसकी कहानी है जो पिछले कई दिनों से, हफ्तों से, महीनों से लापता होता है। मैं घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के सफरनामे को जब खत्म कर लेता हूँ, मैं इस उम्मीद से इन चेहरों को अपने जहन में दफन कर लेता हूँ कि न जाने कौन से मंदिर की गली या दरगाह से गुजरते हुए, न जाने कौन से स्टेशन की सीढ़ियां उतरते हुए, उस पोस्टर लगाने वाले की उम्मीद मिल जाए। शायद वो शर्मा जी, शायद वो शालिनी, शायद वो हमीद मिल जाए। मिल जाए तो उन्हें इत्तला करूं, उन्हें बता दूं, उनकी दुनिया उन्हें वापस लौटा दूं। क्या है कि इस एहसास से रूबरू हो चुका हूं मैं, नहीं मेरा कोई अपना खोया नहीं, कुछ अपनों को हमेशा के लिए खो चुका हूं मैं। उस वक्त हम तो मौजूद बिल्कुल वहीं थे, पर अपनी ही दुनिया में गुम तो कहीं थे, पर जरा सोचो वो सारे चेहरे कहीं वो तो नहीं थे। मैं जानता हूं तुम्हें चोट पहुंचाए मेरे लफ्ज इतने सख्त नहीं है, मैं जानता हूं जाया करने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। बस एक इल्तिजा है कि अगली बार जब ये पोस्टर देखना, कुछ देर रुकना, उन्हें पढ़ कर देखना, उन्हें अच्छा लगेगा कि उन्हें देखने की खातिर कुछ देर के लिए सही कुछ लोग तो ठहरे। न जाने हम में से किसकी कोशिश से अपने घर गली आंगन खिड़की में फिर पहुंच जाएं वो चेहरे, वो मिसिंग से चेहरे।